पार्टी में जा नहीं सकते तो क्या घर पर पार्टी स्नैक्स तो बना ही सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रश्मीज। मैं हूँ विभा और आज हम लोग लेकर आ गए हैं 3 टाइप्स ऑफ नॉन फ्राइड बास्केट स्नैक्स रेसिपी। तो मम्मा ये रेडी? यस। तो मम्मा तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। आइए बास्केट स्नैक्स बनाना सीखते हैं। इसके लिए लिया है मैंने कैप्सिकम, अनियन, पनीर, टोमेटो, पिज्जा सॉस, कॉर्न कर्नल्स, चीज़, सॉल्ट और सीजनिंग। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ बास्केट है, दैट इज पिज्जा बास्केट। फिर हम बनाएंगे पोटैटो बास्केट। इसके लिए मैंने एक पोटैटो को मैश करके लिया है। ये मैंने पीनट की चटनी ली है, सेव लिया है, कुछ मसाले लिए हैं। और थर्ड हम बनाएंगे मैंगो बास्केट। इसके लिए मैंगो लिया है, सॉल्ट लिया है, जीरा लिया है और काली मिर्च पाउडर लिया है। सबसे पहले हम ब्रेड को लेके ऐसे रोल कर लेंगे। मेरी ब्रेड सॉफ्ट है इसलिए आराम से रोल हो पा रही है। अगर आपकी ब्रेड सॉफ्ट नहीं हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके फिर इसको आप रोल कर लीजिए। एक ग्लास लिया है मैंने, इससे मैं इसको राउंड काट लूंगी। इसी तरह से हमको सारी ब्रेड को काटना है। और ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स है आप इसको गिराइएगा मत, इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसको स्टीव फ्राई करके इस पर नमक और मिर्ची लगा के भी खा सकते हैं, नहीं तो इसके क्रोटॉन्स बना सकते हैं। इसी तरह मैंने अपनी सारी ब्रेड को काट लिया था। मैंने यहाँ पे 8 स्लाइस ऑफ ब्रेड लिया है। ब्रेड को लेके इस पर हम बटर स्मियर कर देंगे। तो गाइस ये लाइव वीडियो है और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, इंस्टेंट है एंड ये फ्राइड नहीं है। बास्केट्स मेनली फ्राइड होते हैं पर ये नॉन फ्राइड है। तो हम लोग सारे ब्रेड पर ऐसे बटर स्मियर कर देंगे। एक बॉल में मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ, इसको मैंने बहुत ही छोटे पीसेस में काट रखी है। अनियन, पनीर, टोमेटो, कॉर्न, सॉस, इसमें डालेंगे हम सॉल्ट, थोड़ा सा चीज, सीजनिंग, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको स्टीव फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे पीसेस में काटे हुए हैं तो मेरे को लगता है ये ऐसे भी खा सकते हैं, ये सब्जियां वैसे कच्ची भी खा पाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बास्केट पिज्जा बास्केट की फिलिंग।
इसमें डाल देंगे हम चटनी। तो ये हमारी सेकेंड टाइप, दैट इज पोटैटो बास्केट। तो एक बोल में हम लोगों ने मैश पोटेटोज डाले हैं, उसमें डाल देंगे पीनट चटनी। इसमें मैंने लिया है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा सेका हुआ जीरा, थोड़ा वाइट नमक। देखिए हमारी चटनी में सारे मसाले हैं, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े और लिए हैं आलू के हिसाब से। पीनट की चटनी बनाई थी तब उसमें थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स डाला था, इसकी वजह से इसका कलर हल्का सा ग्रीन है। एक अप्पे पैन लेंगे, जिस साइड हमने बटर लगाया है वो साइड बेस पे लगाएंगे और थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते करते, फैन के जैसे फोल्ड करके इसमें अच्छे से फिट कर देंगे। इसी तरह सबको हम फिल कर देंगे ब्रेड से, जो बटर का साइड है वो नीचे बेस पे लगा के इसको ऐसे अच्छे से अंदर फिट कर देंगे। तो गाइज ये लाइव वीडियो है तो हम लोग आपके सामने बनाकर दिखा रहे हैं थ्री टाइप्स ऑफ बास्केट स्नैक्स। इसका हम मैंगो बास्केट बनाएंगे। इसके लिए बटर मैंने बोथ साइड लगाया है, एक साइड बटर ऐसे लगाया, दूसरी साइड भी मैंने बटर लगाया। दूसरी साइड बटर जहां पे लगाएंगे अंदर की साइड, उस पर हम स्प्रिंकल करेंगे। पहले मैं लगा देती हूँ एक बार। इस पर स्प्रिंकल करेंगे हम ब्लैक पेपर। थोड़ा सा रेड सॉल्ट। थोड़ा सेका हुआ जीरा। इसमें हम फिल कर रहे हैं हमारा मिक्सचर, जो पिज्जा का मिक्सचर है इसमें फिल करेंगे। और थ्री बास्केट में मैं फिल करूंगी पोटैटो मिक्सचर। तो गाइज ये देखिए सबकी फेवरेट रेसिपी है, फ्राइड नहीं है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। थ्री टाइप्स से हम लोग ने बताया है। मैंगो के लिए जो लिया है उसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। ये पिज्जा वाले पे मैं मोज़रेला चीज थोड़ा सा डाल दी हूँ, आप पिज्जा चीज ले सकते हैं, कॉटेज चीज ले सकते हैं। कॉटेज चीज तो मैंने अंदर डाला, आप पिज्जा चीज ले सकते हैं, चीज क्यूब्स ले सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
इसको हमको लिड लगा के ही बेक करना है। आपको ये देखना है कि चारों तरफ से अच्छे से कवर होना चाहिए आपका ये पैन। मैं इसको अभी मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, फिर मैं एक मिनट मीडियम फ्लेम पे करूँगी ताकि मेरा पैन थोड़ा हीट ले ले, और उसके बाद मैं लो फ्लेम पे इसको बेक करूँगी। तो गाइस हम लोग को इसे लो फ्लेम पर बेक करना है। हमारा ये आयरन वाला पैन है, इसे हम लोगों ने इसे मीडियम पे किया है, और आप अपने पैन के हिसाब से करिएगा। इसे लो फ्लेम पर बेक करना है। ये हमारा पक गया है, सारे बास्केट पक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस ये लाइव वीडियो है, ये अनएडिटेड है, तो देखिए हम लोगों ने आपके सामने बनाकर दिखाया है 3 टाइप्स ऑफ नॉन फ्राइड बास्केट स्नैक्स। वेजिटेबल अगर सॉटे नहीं करते ना तो भी ये जब पकता है ना ब्रेड नीचे से, तो साथ में वेजिटेबल भी थोड़े पक जाते हैं। तो गाइस देखिए ये है हमारा नॉन फ्राइड पिज्जा एंड पोटैटो बास्केट। इस पर हम थोड़ी सेव लगा देते हैं। तो देखिए गाइस ये पार्टी स्नैक है, स्टार्टर्स की तरह यूज कर सकते हैं। स्नैक्स शाम को चाय के साथ जल्दी बन जाती है, हेल्दी है, नॉन फ्राइड है और टेस्टी तो है ही। अब हम बना लेते हैं मैंगो बास्केट। मैंने ये 3 बास्केट पहले से ही बना के रखा था, इस पे हम मैंगो डाल देंगे। तो हम लोग इसे मैंगो चंक से फिल कर लेंगे। इस पे मैं थोड़ा व्हिप क्रीम लगा रही हूँ, ये फुली ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो लगाइए नहीं तो नहीं। मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं, मैं इस पे स्प्रिंकल डाल रही हूँ। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं और ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारे 3 टाइप्स ऑफ नॉन फ्राइड बास्केट स्नैक्स आर रेडी। सी हियर इज आवर पिज्जा 1, पोटैटो 1 और मैंगो। तो गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लव लाइक और शेयर कीजिएगा, और द रश्मीज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।